मैं डॉक्टर संजीव नर्मदा क्लिनिक एवं पंचकम सेंटर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ जो बच्चा है इसकी एज केवल 17 साल है। इसे एंगलिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। HLA-B27 पॉजिटिव आया है इसका। इसको जो दिक्कतें थी, किस तरह की प्रॉब्लम थी, इसके मुँह से कुछ सुनते हैं और कितना आराम मिला है न्यूरोथेरेपी के बाद, ये इसी से सुनते हैं। नाम बताइए। मैं रंजीत यादव। रंजीत यादव, क्या दिक्कत थी रंजीत आपको? किडनी में प्रॉब्लम होती थी और पैर में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता। खेल कूद नहीं कर पाते थे नॉर्मल बच्चों के जैसे। अभी जो है ये कितने सालों से था दिक्कत? लगभग एक साल। एक साल से कुछ डॉक्टर्स को दिखाया था इसके पहले? हाँ। कितना आराम मिला था उससे? कुछ नहीं है, तो दवाएं चलती थी आराम से। अच्छा, जब तक दवाएं चल रही थी तब तक आराम था, दवाएं छोड़ने के बाद फिर प्रॉब्लम हुई। हाँ, अंग्रेजी दवाएं चलती थी या कुछ? अंग्रेजी। अंग्रेजी दवाई कुछ दिन में दवाएं बेची चली थी। अच्छा, यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं हमारे पास? ये लग दो महीने दवा। अच्छा, एक महीने दवा चली थी और उसके बाद में अभी ट्रीटमेंट कब से चल रहा है न्यूरोथेरेपी? 10 दिन। अभी कोई किसी भी तरह की दिक्कत है आपको? नहीं। कैसा फील कर रहे हैं अभी चलने फिरने में, खेलने कूदने में? अच्छा, खेल वो ले रहे हैं। हाँ। ठीक है, मतलब इस 10 दिन में आपको किस तरह का रिलीफ मिला, कितना आपको? ठीक है। तो दोस्तों, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ख़त्म नहीं होता है सर्दी से, लेकिन बस ये है कि इसको अगर हम प्रॉपरली मैनेज करें तो लाइफस्टाइल बेहतर रहती है। अदरवाइज इसमें स्पाइनल फ्यूजन शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में पूरी लाइफस्टाइल चौपट हो जाती है। तो अभी न्यूरोथेरेपी से पूरी तरीके से आराम मिला है मुझे और बीच बीच में हमने असेसमेंट के लिए इसको बोला हुआ है कि असेसमेंट कराता रहेगा और आराम रहेगा। थैंक यू दोस्तों।